नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका गोपाल। हमारा चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं तंदूरी मशरूम या मशरूम टिक्का। तो दोस्तों तंदूरी मशरूम बनाने के लिए ये देख रहे हैं, मैंने मशरूम को ऑलरेडी काट के वॉश करके इसको बॉईल कर लिया है। और उसके लिए है यह है सलाद, ऑनियन कैप्सिकम टोमेटो, यह सलाद मैंने काट लिया है। तो आप लोग सेम ऐसे मशरूम को बॉईल कर लीजिए और वेजिटेबल काट लीजिए। चलो अब हम चलते हैं इसका मसाला लगाने के लिए। तो दोस्तों मशरूम टिक्का बनाने के लिए हमें चाहिए, ये देख रहे हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट। अब हम ऐड करेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट, कश्मीरी रेड चिली पाउडर, जीरा पाउडर, ये देख रहे सॉल्ट, कोरिएंडर पाउडर, ब्लैक सॉल्ट पाउडर, कस्तूरी मेथी पाउडर। और दोस्तों नेक्स्ट हम ऐड करते हैं, ये देख रहे अजवाइन सीड। तो दोस्तों चटपटा और खटास के लिए अब हम ऐड करेंगे इसमें थोड़ा सा लेमन जूस। और दोस्तों अब हम थोड़ा ऐड करेंगे, ये देख रहे आमचूर पाउडर, जो ड्राई मैंगो का पाउडर होता है आमचूर पाउडर, गरम मसाला पाउडर, देख रहे चाट मसाला पाउडर। और आप हम ऐड करते हैं थोड़ा सा ब्लैक पेपर पाउडर, ऐड करेंगे। और ये देख रहे कोरिएंडर रूट चॉप, अब हम इसको अच्छा से मिला लेते हैं इस मसाला को। तो दोस्तों इस मसाला मिलाते हुए आप लोग को ध्यान देना है, इसमें सॉल्ट स्पाइसी और चटपटा के लिए इसका बराबर है कि ना आप लोग को चेक कर लेना है। तो दोस्तों मेरा ये मसाला रेडी हो चुका है। तो दोस्तों ये देख रहे हैं हमारा मसाला रेडी हो चुका है और मैंने इसका सॉल्ट स्वीट और स्पाइस में सब कुछ चेक कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं, ये देख रहे मशरूम। तो दोस्तों मशरूम का साथ में हम ऐड कर दे रहे हैं इसका कटिंग करके रखा हुआ था ये वेजिटेबल, और अब हम इसको अच्छा से मिला देते हैं। तो आप लोग मिला लीजिए इसको अच्छा से। तो दोस्तों हमारा ये तंदूरी मशरूम रेडी हो चुका है और इसका मसाला भी रेडी हो गया है। अब हम इसको अच्छा से लगा के तंदूर में ग्रिल करके आपको प्रेजेंटेशन का साथ दिखाएगा। तंदूर का जो सरिया होता है, सरिया में इस मशरूम को कैसे लगा के इसको ग्रिल करना है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। तो दोस्तों ये देख रहे कैसे मैंने सरिया में मशरूम लगा लिया और ऊपर से थोड़ा मसाला भी लगा लीजिए। वेजिटेबल मशरूम तो ऐसा वन बाय वन आप लोग लगा लीजिए। दोस्तों ये देख रहे तंदूर का टेम्परेचर ज्यादा होने का चक्कर में आप लोग थोड़ा लेट डाल के इसको ग्रिल कीजिए। आप लोग का घर में अगर बारबेक्यू होगा तो बारबेक्यू में ग्रिल कर सकते हैं, आप लोग तावा माइक्रोवेव सब में ऐसा मशरूम ग्रिल कर सकते हैं। तो बेसिकली ये मैंने बनाया तंदूरी मशरूम का रेसिपी, तंदूर में हम लोग ग्रिल करेंगे।
ये तंदूरी मशरूम और मशरूम की क्या क्या रेसिपी है। मैं चाहूँगा आप लोग सेफ ऐसे ही रेसिपी फॉलो करके कम से कम एक बार भी हो तो आप नजर